हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ सोया चाप की, ठीक, जिसमें मैं आपको सारे मसाले दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। मैं देखिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो चाप ली है, दो प्याज लिए हैं, तीन टमाटर लिए हैं, एक लहसुन लिया है, लहसुन और एक अदरक, कुछ हरी मिर्च। और मसालों में मैं यूज़ करूँगी जीरा, धनिया, दो बड़ी इलायची, कुछ लौंग, तेजपत्ता, ये दालचीनी, ये काली मिर्च, काजू और कुछ मखाने। फ्रेंड्स, मैं कुछ मसाले यूज़ करने वाली हूँ। देगी मिर्च इसलिए क्योंकि मैंने हरी मिर्च ली है, तो कलर के लिए देगी मिर्च लूँगी, ठीक है। कसूरी मेथी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और ये है हमारा हरा धनिया, जिसे आज मैं बनाने वाली हूँ देसी घी में। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चाप को चापस्टिक से अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके छोटे छोटे पीस काट के और फिर आगे मसाले में आगे का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है चाप को स्टिक से अलग करना। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सारी चाप को स्टिक से अलग कर लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में, एक चाप के कम से कम 3 से 4 पीस करेंगे हम। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी चाप की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, अब अपना पेस्ट बनाने के लिए हम प्याज की छोटे छोटे पीसेस में रफली कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। टमाटर की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, दो इलायची डालेंगे, बड़ी इलायची, दो तीन लौंग डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और साथ में अब हम ये प्याज ऐड कर देंगे इसमें। हम थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपने, साथ ही हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा छोटे छोटे पीस में करके ऐड कर देते हैं और इनको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हम कुछ मखाने और कुछ वो भी ऐड कर देते हैं और अब इन सब को हम थोड़ा थोड़ा पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, हमारे प्याज और टमाटर सब सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए, क्योंकि ठंडे होने के बाद फिर हमको ये पीसने हैं मिक्सी में डाल के। अब हम इसी पैन को दोबारा गैस पे रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो फ्रेंड्स, हमारा घी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चाप फ्राई करेंगे। हम अपने चाप को हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, हल्का सा ब्राउन करेंगे बस। अब हमारे चाप सभी ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सब निकल जाए। टमाटर हमने अभी फ्राई किए थे वो ठंडे हो चुके हैं,
तो अब हम इनका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसको मिक्सी में फटाक से पीस। तो फ्रेंड्स हमारा पेस्ट अब हो गया तैयार। अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जिसमें हमने अपने चाप फ्राई किए थे उसमें ही बचा हुआ जो थोड़ा सा घी है उसमें हम पहले तेज पत्ता ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा साबुत धनिया, जो हमारा थोड़ा थोड़ा मसाला बचा था कुछ हमने वहाँ ऐड किया था कुछ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हमने खड़े मसाले जो डाले थे वो पक गए हैं। अब हम इसमें देगी मिर्च डाल देते हैं ताकि हमारा कलर अच्छा है, और उसके साथ ही हम अपना जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट ऐड कर देते हैं। फ्लेम को हम रखेंगे कम, बिल्कुल सिम कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि, वैसे तो प्याज और टमाटर का सब कच्चापन निकल चुका था लेकिन फिर भी हम इसे 2 से 3 मिनट, जब तक ये साइडों में से ऑयल ना छोड़ना शुरू करे जब तक हम इसको पकाएंगे। अब हम साथ ही कुछ और मसाले ऐड कर देते हैं। हम डालते हैं नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज़ कीजिए। अब हम इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। इसे हम 1 से 2 मिनट ढक देते हैं क्योंकि ये काफी मसाला उछलता है इसलिए ढक देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा मसाला पक चुका है, चला के देख लेते हैं। वाह क्या कलर आया है मसाले का। अब हम इसमें अपने चाप ऐड कर देते हैं। सारे मसाले में इसको अच्छी तरह ढक देंगे चाप को। ठीक है फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि इसकी ग्रेवी हल्की सी पतली हो जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा और पकेगा तो ये और ज़्यादा ये जलने का जल भी जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारी सब्जी बनके तैयार है और देखिए क्या कलर आए। वाओ अब हम गैस को कर देते हैं बंद। ठीक अब हम गार्निशिंग के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और हम डालते हैं थोड़ी सी क्रीम। सो फ्रेंड हमारी चाट की सब्जी तैयार है। हमने इसमें गार्निशिंग के लिए अनियन रिंग्स लगाए हैं। और आपको अगर मेरी सब्जी मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और आप इसी रेसिपी से चाप बना के और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम अपने अगली रेसिपी में अगली वीडियो में।